अभी हम मोराबादी मैदान में हैं और जो कल जो तैयारी है वो पूरी तरह से जो कारीगर हैं झांकी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कल 10 झांकी यही इसी मैदान में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि कला संस्कृति के विभाग के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली को दर्शाया गया है कि कैसे भगवान बिरसा मुंडा जहां जन्म लिए थे, किस परिवेश या वेशभूषा में रहते थे, क्योंकि जो स्थिति थी आदिवासी कल्चर संस्कृति की बात करें तो किस तरह से दर्शाया गया था, किस जंगल और पहाड़ों के बीच में लोग रहते थे और उसकी पूरी जो परिदृश्य है उसको दर्शाया गया है झांकी में। खास करके बात करें कि बिरसा मुंडा की जीवनी भी झांकी में दर्शाया जाएगा। जो स्थिति है कि लगातार जो भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी को लेकर जो झारखंड की राजनीति भी उसी इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी झांकी जो स्वास्थ्य विभाग की है, जो टीबी मुक्त पंचायत, टीबी मुक्त झारखंड, जो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार के जो योजनाएं चल रही है उसको भी इस झांकी में दर्शाया गया है। और तीसरी झांकी जो है वो कृषि विभाग की है, जो कि कैसे राज्य सरकार के द्वारा जो कृषि विभाग के योजनाओं हैं ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाए, इस झांकी में उसकी परिदृश्य को दर्शाया जाएगा और किस किस योजना जो राज्य सरकार झारखंड के चलाया जा रहा है उसको भी इस झांकी में दर्शाया जाएगा। हमारे साथ जो कलाकार हैं जो इस झांकी को बनाए हैं, कितना मेहनत लगा है, कितना लागत लगा है, बात करते हैं। हमारे साथ प्रतीश जी हैं, क्या समय लगता है, किन किन झांकी को आप बना रहे हैं, क्या उसमें दर्शाएंगे, हाँ बताएं। देखिए, हम लोग इस बार 3 झांकी बना रहे हैं, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट का है और तीसरा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का है। और इसको बनाने में कम 7 से 8 दिन का समय लगता है और इसका लागत 9 लाख 8 लाख रुपया होता है। वो थीम के ऊपर बेस्ड रहता है और हमारी जितनी भी कलाकार की जो टीम है वो कलकत्ता से है, पटना से है, जिनको हम लोग 12 महीना काम करते हैं हमारे साथ, ये हमारी खासियत है। जो बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उसमें क्या दर्शाने की कोशिश किए हैं झांकी के माध्यम से? देखिए, इस बार जो थीम रहा है वो बिरसा मुंडा के को कॉन्सेंट्रेट करते हुए थीम बनाया गया है। उनके जन्मस्थली को दिखाया गया है, फिर उनका एक ये पहाड़ दिखाया गया है और बिरसा मुंडा संग्रहालय को दिखाया गया है। डोंबारी बुड़ू है यहाँ पे, जो कि आपका एक पर्यटन स्थल भी है, वहाँ पे लोगों को जागृत किया जाता है कि आप टूरिस्ट जगह है वो और काफी अच्छा है वो। दूसरी, आप झांकी टीबी मुक्त पंचायत, टीबी मुक्त झारखंड बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिखाने की कोशिश किए हैं कि लगातार जो झारखंड की बीमारी से लोग पीड़ित रहते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं के कितना लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें क्या दर्शाने की कोशिश की? इसमें देखिए, ये दर्शाने की कोशिश किया गया है कि अब टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये थीम है स्वास्थ्य विभाग का। और स्वास्थ्य विभाग काफी समय से काफी अच्छा काम कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि टीबी लाइलाज बीमारी है, लोगों को हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए, ये स्वास्थ्य विभाग का एम है। तीसरी झांकी कृषि विभाग का है, उसमें आप क्या थीम लिए हैं कि क्या जो झारखंड सरकार का योजनाएं चल रहे हैं कृषि विभाग का, क्या दर्शाया गया है और लोगों को कैसे पहुंचाया जाए झांकी के माध्यम से, क्योंकि कल 26 जनवरी है, 10 झांकी इसी परेड ग्राउंड में लोगों को बीच दिखाया जाएगा, तो क्या दर्शाने की कोशिश की है? देखिए, कृषि विभाग से इस बार ये थीम था कि कृषक पाठशाला लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। जो सरकार की जो योजना है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो उनका इस बार ये थीम था कि लोगों तक सारा मैसेज पहुँचाया जाए। जैसे बकरी पालन हो गया, जैसे आपका ये बकरी पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, और कैसे लोग पढ़ते हैं, बताते हैं लोगों को एक दूसरे के बारे में, तो वो उस चीज की जानकारी दी गई है। झांकी के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचे और जो जो झारखंड के लोग हैं, गरीब तक जो झारखंड सरकार की योजना है उनका कैसे इस झांकी के माध्यम से लोगों को दिलो दिमाग तक छा सके। अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।